हेलो डीएमए, कैसे हो आप लोग? कहीं पे टीडीएम गेम प्ले हो और आपका भाई ना देखे, ऐसा नहीं हो सकता ना। बेसिकली क्लासिक गेम प्ले मैं कभी कभार मिस भी कर देता हूँ, पर किसी दो बड़े यूट्यूबर के बीच टीडीएम गेम प्ले हो और मैं मिस कर जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसी बीच दो बड़े प्लेयर के बीच नहीं, शायद तीन बड़े प्लेयर के बीच टीडीएम चैलेंजेस होता है। उनमें से एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। गुस्सा मतलब एग्रेशन, एग्रेशन मतलब गुस्सा। गुस्से के पीछे राज क्या है और जो भी होता है आज के वीडियो में, पूरा एंड तक देखते रहिए। तो डीएमए कहानी शुरू हो चुका है। बेसिकली होता कुछ ऐसा है, एक महीने पहले मावी पाजी और स्काउट के बीच तगड़ा सा टीडीएम बैटल होता है। नेक्स्ट कहानी में स्विच करने से पहले ये कहानी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन वाई कि यहाँ पे अगर हम सब कुछ जान लेंगे तभी तो आगे की कहानी समझ में आएगा यार। सिंपल है, कुछ नहीं है। देखते हैं वीडियो क्या था। यहाँ पे फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। 0-0 स्कोर है। लिटरली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए टीडीएम बैटल, क्योंकि टीडीएम मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट लेवल जिगल भाई, स्काउट के भाई क्या था ये। एंड मोमेंट पे क्राउच हेड सब कुछ चल रहा है यहाँ पे। एक सेकंड, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्काउट का था। फुल अंधा रस हो रहा है भाई मावी पाजी के, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल है। टीडीएम का एक असूल है, अगर सामने वाले को पॉइंट स्टार्टिंग में मिल जाता है आधा गेम तो वहीं पे फाइनल हो जाता है। रेयरेस्ट कंडीशन में होता ऐसा है कि स्टार्टिंग में आपको पॉइंट भी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, आप जीत सकते हो, बट वहां पे थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। लेट्स सी, दो पॉइंट मिल चुका है यहाँ पे। अबे मेरे से नहीं लगता एडीएस में। तीसरा पॉइंट भी भाई स्काउट को। अल्टीमेट लेवल जिगल भाई, ये तो तगड़ा मार रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इजिली हम अगर डिकोड करेंगे ये वाली सिचुएशन को, स्काउट ब्रो ने स्टार्टिंग से पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट भी लिया, इसके बाद सिंपली भी अगर सोचेंगे यहाँ पे तो कंडीशन ऐसे ही बन जाता है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे है और यहाँ पे मावी भैया का, तो यहाँ पे अभी देखना ये होगा क्या यहाँ पे कमबैक हो पाता है। लेट्स सी। अरे भाई स्काउट ब्रो का यहाँ पे रिएक्शन देखे मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पे ओपोनेंट को जीरो पॉइंट के साथ डोमिनेट करना चाहते थे। यहाँ पे स्काउट ब्रो थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ओपन दस कर रहे हैं। इसी के बात कर रहा था ब्रो, क्या था ये। देखो बेसिकली हम अगर सेम जिगल बार बार करते हैं ना तो सामने वाला ओपोनेंट आपको ट्रैक कर लेता है। काफी अच्छा ट्रैक, सीधे हेड पे रख दिया। यहाँ पे भी इजी नाइस, दो पॉइंट का लीड है और सेम टाइप का जिगल बजा रहा है भाई। इतना क्लोज हेड पड़ चुका है, घुस सकते हैं अभी। नहीं, मौका नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा। दो पॉइंट का लीड हो सकता है क्लियर, क्योंकि दो मिनट है। ऐसे स्कोर बढ़ता जाएगा तो फिर मुश्किल है यहाँ पे स्काउट ब्रो का कमबैक। ये देखो भैनचोद, मैं भी ऐसा ही करता हूँ यहाँ पे, अगर स्कोर दो मिनट हो रहा है तो घुसो, टाइम नहीं है सामने वाले के पास सोचने के लिए, राइट। और इसका फुल एंड फाइनल वाला एडवांटेज मिल रहा है हमारे पाजी को, और इसी के साथ ये गेम प्ले देखते यहाँ पे इजी एक तरफा के हिसाब से मस्त से जीत लिया हमारे मावी पाजी ने। ये तो ट्रेलर था भाई, क्या लगा आपको, कहानी खत्म हो गया? ये गेम खत्म होने के कुछ महीनों बाद यहाँ पे मावी पाजी भारी भरकम गुस्से में दिखते हैं। आज मैं तेरे को मनियन में पेलूंगा, अभी मैच लगा, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कितने ज्यादा गुस्से में मावी पाजी, और भाई इतना ज्यादा गुस्सा देखे ना कतई हमें भी डर लगने लगा। अब भी बनाओ क्लासिक बहुत गुस्से में, मैं बहुत गुस्से में हूं। हाथ तो गरम करने, कुछ गरम ही नहीं गया यार, गरम नहीं गया यार, मेरा भी गरम नहीं है, मेरा भी ठंडा है। और मैं सोचा क्यों ना एक बार मावी पाजी का एक बार चैनल देख लिया जाए, चैनल में आराम से घुसता हूँ, डर बना था। और मैं धीरे धीरे चैनल सर्च किया मावी पाजी, और मावी पाजी का चैनल चेक करने के लिए जब मैं यहाँ पे घुसा, यहाँ पे मैं चैनल को जब देखने के लिए अंदर जाता हूँ भाई, स्टार्टिंग से ही गुस्सा देख के डर लग रहा है ना, फिर मैं चैनल के और अंदर घुसते चला गया। मावी पाजी पैन पकड़ के नीट वीट फेंक के जोकर भैया को मार रहे भाई,
गुस्सा बाहर भी था, चैनल के अंदर भी था, बस अभी देखना ये था ये टीडीएम में जो गुस्सा है क्या स्नैक्स भैया संभाल पाते हैं। ये जानने के लिए मैं वीडियो को पूरा देखता हूँ और आप भी वीडियो देखते रहिए मेरे साथ और बात करते हैं गेम प्ले। गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है, 0-0 स्कोर है, फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे स्नैक्स भैया ने पॉइंट ले लिया। भाई एक्चुअली आप क्या सोच रहे हो, मैं स्नैक्स की तरफ हूँ? ना, मैं हूँ पूरा का पूरा मावी भैया की तरफ, फुल सपोर्ट है भाई, देखते रहो बस। हाथ मेरा गरम नहीं है, अभी देखो तो कैसे मारेंगे मावी भैया। देखो रात बाकी हो जाने दो, मावी भैया गुस्से में आ गए और ये देखो इसके बारे में बात कर रहा था मैं। बस सा कपोन भाई, मारो 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 मारो, मत सा मारो अभी, टपाटप दे दो बस। स्कोर आगे चल रहा है हमारे मावी भैया का, स्नैक्स भैया थोड़ा सा होल्ड। क्राउच मेरे अंदर ऐसी गर्मी क्यों है, जब सामने वाला कुछ नहीं कर रहा तो मेरे को करना है। इसके लिए मस्ती वस्ती तो चलता रहेगा, पर बात करते हैं देख राउज के बारे में, क्योंकि नॉर्मली आपने बहुत सारे जिगल जिगल के बारे में तो सुना होगा, देख राउज के बारे में आप सुना है क्या? नहीं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से सिचुएशन में इम्पोर्टेंट है ये एक बार जान लिए तो काम खत्म। बेसिकली मैं देख राउज दो कंडीशन में यूज करता हूँ। एक तो मान लो प्लेयर के साथ आपका फर्स्ट फाइट होने वाला है, आपने प्लेयर को अभी तक फेस नहीं किया, वो उसने आपको फेस नहीं किया, मिड रेंज का फाइट है या फिर क्लोज रेंज का फाइट है, वो कंटेनर के साइड से आ रहा है, आप कंटेनर के लेफ्ट से जा रहे हो, वो कंटेनर के राइट से आ रहा है, एट देन जब आपका फर्स्ट आपका बैटल में मीट होने वाला है उसी समय पे स्टार्टिंग से ही आप अगर क्राउच करके सामने वाले का हेड कनेक्ट कर ले तो ये आपके लिए एक मोस्ट एडवांटेज पार्ट हो सकता है, क्योंकि एनिमी का जो क्रॉस एयर रहता है हमेशा आपके हेड की तरफ ही रहता है और वहां पे अगर आप क्राउच करके सामने वाले का हेड कनेक्ट कर देते हो तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर यू। सेकंडली यहां पे स्नैक्स ब्रो ने जो किया, यहां पे बेसिकली पहले डैमेज दे देते हैं, पहले जैसे कि देख सकते हो थोड़ा सा चकमा देगी, यहां पे डैमेज दे देते हैं मावी ब्रो को, और यहां पे जब मावी ब्रो यहां पे लॉन्ग जिगल देने लग जाते हैं ना, लेफ्ट राइट पूरा फुल मोमेंटम चल रहा है, इसी समय पे भाई ने यहां पे देख राउज दे के डिफीट कर दिया मावी ब्रो को। तो ये दो कंडीशन में आप ज्यादातर यूज कर सकते हो, फिर देखते अभी मैच को। ये नाइस शॉट भाई का कॉन्फिडेंस जा रहा है मोहित पाजी यार, नाइस शॉट यार, बहुत ही स्ट्रेटजिकली खेल रहे भाई। ओह माय गॉड, मैं बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सीधे ही हेड कनेक्ट किया था स्कोपिंग करके, खतरनाक सा कमबैक भाभी ब्रो के द्वारा। 9-9 का स्कोर चल रहा है, वहां पे स्टार्टिंग में भी ऐसा ही हुआ था। आप सीन अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो पहले भाई ने छोटा सा पिक लेके डैमेज दे दिया, फिर अंदर आया, फिर वहां से पिक देके डैमेज और सीधे ही थोड़ा सा मोमेंटम और खत्म। ये वीडियो का बेस्ट पार्ट है मेरे लिए, मेरा फेवरेट है। खराब लगा मावी पाजी, बहुत खराब लगा, ये वाला फाइट तो बहुत खराब लगा आपके लिए। ये देखो नहीं दिख रहा, स्नैक्स ब्रो का 30% एचपी बचा है, वो सारा खराब लगा भाई, ये तो बहुत गंदा मार दिया मैंने। ऐसे में तो कॉन्फिडेंस टूटेगा यार भाई, मैं जितना भी ज्यादा सपोर्ट कर लूं मावी ब्रो को, यहाँ पे कॉन्फिडेंस टूटेगा भाई, इतना तगड़ा वाला डैमेज दे चुके थे, बट एंड मोमेंट पे ड्रॉप शॉट, हेड कनेक्ट, सब कुछ हो रहा है एट अ टाइम, गुस्सा भाई का ठंडा हो रहा है। मावी ब्रो क्या हुआ आपका, पानी जा रहा है, कोई से क्या करूं, सोनिए हीरिए मेरी जनवानिए। ये क्या है, एंड मोमेंट पे भी बहुत ही तगड़ा तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। गेम देख के जैसे पता चल रहा है यहाँ पे वो चाहते हैं कि अच्छा खासा थोड़ा सा गैप हो, डिस्टेंस हो स्कोर का, और वो आराम से होल्ड करके खेल रहे हैं, जिसका इजी बेनिफिट हो रहा है उनको। एडिटर रेडी रहे बाप, उनके पास टाइम कम है, वो अंधा रस कर रहे हैं।
ऐसे खतरनाक सिचुएशन में एंड मोमेंट पे एक और पॉइंट लेके मामी ब्रो ने हमारे दिल के ऊपर झंडा काट दिया है। दोनों मैच को अगर स्टडी करेंगे तो काफी ज्यादा इंटेंस मैच था दोनों में। एज यू नो टीडीएम मैच इज ऑल अबाउट माइंड गेम। अगर आप अपने माइंड को पूरे तरीके से खोल के रखोगे बिना फ्रस्ट्रेट हुए, अगर आप पूरा गेम को स्टडी करके खेलोगे तो इजिली आप जीत सकते हो। और दोनों ही टॉप लेवल के प्लेयर थे और दोनों का गेम सेंस काफी ज्यादा कूल था। और ये मैच देख के लिटरली मेरे को तो बहुत मजा आया। डिकोड भी किए गेम को डीएमई। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करो। बात करें कल मेन चैनल में फिर से एक तोड़ो फोड़ो बूम बम गेम प्ले में लेके आ रहा हूं, जहां पे चैलेंज किए थे हमारे तगड़े तगड़े एनिमी। एनिमी का चैलेंज इस बार नेक्स्ट लेवल था और यहाँ पे सरवाइव करना भी एक सेकंड के लिए अबाउट इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं यहाँ पे था हर बार की तरह मेरे टीममेट खत्म और मैं बीच में और चारों तरफ एनिमी मेरे को घेर चुके थे। और वीडियो में क्या होगा ये तो आपको मेन चैनल में कल वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट हम कौन सा वीडियो को डिकोड करेंगे आप कमेंट करो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई बी बैक विद द वीडियो एज सून एज पॉसिबल। तो भैया भाई ठोकने से गिर जा रहा है मेरा कैमरा।